रात में हम लोग सोए थे तो पुलिस आई, हम लोग अभी सोए हैं तभी पुलिस आई है, और पूरा आते आते कुछ पूछती भी नहीं, दरवाजा तोड़ने लगी, दरवाजा तोड़ने लगी। हम लोग एक तरफ दरवाजा अभी खोल रहे हैं तभी दूसरे तरफ दरवाजा तोड़ने लगी, कोई ऊपर जाता है कोई दरवाजा तोड़ता है और कोई गाली गलौज करता है, उसके बाद दरवाजा तोड़ के अंदर लोग गया, उसके बाद हमारी माँ के साथ हम लोगों के साथ सब सबके साथ गलत व्यवहार किया और हम लोग को हथकड़ी पहना के लेकर आया। बीजेपी युवा मोर्चा नरहरपुर के मंडल अध्यक्ष अंगद निषाद पर एक NBW जारी हुआ था। ये वही बड़हलगंज पुलिस है जो अभी तक लगभग 1.5 दर्जन के करीब चोरियां हुई थी और एक भी खुलासा नहीं कर पाई, और NBW जारी होने वाले अंगद निषाद के घर पर जाकर पूरी रात तांडव करते हैं, दरवाजा तोड़ के घर से निकाल के लाते हैं। यही दर्द के समोरिया का झलका था जब कहे थे कि पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। ऐसा ही कुछ गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र में हुआ जब नरहरपुर युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के घर रात में पुलिस दबिश देके दरवाजा तोड़ के घर से उनको निकाल के लाती है। उनके भाई हमारे बगल में मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरह की घटना। रात में हम लोग सोए थे तो पुलिस आई, हम लोग अभी सोए हैं तभी पुलिस आई है, और पूरा आते आते कुछ पूछती भी नहीं, दरवाजा तोड़ने लगी, दरवाजा तोड़ने लगी। हम लोग एक तरफ दरवाजा अभी खोल रहे हैं तभी दूसरे तरफ दरवाजा तोड़ने लगी, कोई ऊपर जाता है कोई दरवाजा तोड़ता है और कोई गाली गलौज करता है, उसके बाद दरवाजा तोड़ के अंदर लोग गया, उसके बाद हमारी माँ के साथ हम लोगों के साथ सब सबके साथ गलत व्यवहार किया और हम लोग को हथकड़ी पहना के लेकर आया। अंगद निषाद को हथकड़ी पहनाया? हाँ, अंगद निषाद को हथकड़ी पहनाया और वाल्मीकि निषाद को भी हथकड़ी पहनाया। वाल्मीकि निषाद कौन है? हमारे भाई है। क्या वो भी मुजरिम थे? हाँ, वो भी मुजरिम थे। वाल्मीकि निषाद को हथकड़ी पहना? हाँ, वाल्मीकि निषाद को हथकड़ी पहना के लाया। आप लोगों ने पूछा कि आखिर आपने बुलाया नहीं, सूचना नहीं दिया, इस तरह से रात को घर में दरवाजा तोड़ के क्यों आ रहा है, अगर मैं पुलिस का सहयोग ना करता तब मेरे दरवाजे पे आते? हम लोग पूछा लेकिन तो वो लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं सुने, आकर एकदम डायरेक्ट दरवाजा तोड़ने लगे और दरवाजा तोड़ के हम लोग को गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज करके जबरदस्ती करके और पीठ पे हाथ लगा के लेकर आ गए और हथकड़ी पहना दी। किसको किसको लाए थे? हमारे अंगद निषाद को और वाल्मीकि निषाद को। आप लोग भी साथ में आए थे रात में? हम लोग भी साथ में आए तो हम लोग को रास्ते में छोड़ दिया। लोग पूछे नहीं कि आखिर क्या किस जुर्म में ले जा रहे हैं? पूछे, हम लोग को डायरेक्ट लेकर चली गई पुलिस। सुबह होने के बाद आप लोग पूछे पुलिस से कि आखिर इस तरह के क्यों घर में चढ़ के तांडव कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, सब हम लोग कुछ नहीं पूछे, आ गए लेकर आ गए थाने में, थाने में से लेकर आ गए लोग इधर। बीजेपी के किसी नेता, किसी विधायक, स्थानीय विधायक से चाहे जिलाध्यक्ष से आप लोगों ने संपर्क किया कि इस तरह से पुलिस का व्यवहार हमारे परिवार के प्रति? राजेश त्रिपाठी से भी, राजेश त्रिपाठी नहीं है, राजेश त्रिपाठी इस समय लखनऊ में है, फोन किए हैं, कुछ लोग सुनवाई नहीं किए हैं, एकदम डायरेक्ट लोग लेकर गोरखपुर आ गए हैं। किसी नेता और मंत्री के कहने पर भी कुछ नहीं सुनवाई? नहीं, कुछ भी नहीं सुनवाई। क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह का व्यवहार आपके परिवार के प्रति किया गया है पुलिस के द्वारा? क्या करना, क्या हम बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, हम तो कुछ नहीं बोल पाते। पूरी रात मतलब दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर गई आपके? हाँ, दरवाजा तोड़ के अंदर गई। कई बजे की घटना है ये? 2 बजे की घटना है। आप लोग घर में सोए थे? सोए थे घर में। तो ये अंगद निषाद के भाई हैं और आपको एक बार फिर बात करा दें, ये वही बड़हलगंज पुलिस है जो अभी तक 1.5 दर्जन के करीब चोरियां हुई, करोड़ों के सोने और चांदी के जेवरात चले गए, एक भी खुलासा नहीं अभी तक कर पाने में सफल हुई, और एक NBW जारी होता है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के ऊपर, और पुलिस पूरी रात घर में जाके दरवाजा तोड़ के पकड़ के लाती है हथकड़ी में। यही केशव मौर्या ने आरोप लगाया था पूरे खुले मंच में कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं, अधिकारी किसी के सुनते नहीं है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के जिले में आज की रात में ये चरितार्थ हो गया तो किस तरह से पुलिस का व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति है। अगर NBW जारी हुआ था तो ये 2 बजे रात को किसी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने पुलिस तो गई नहीं थी कि घर का दरवाजा तोड़ के घर में घुस जाते।